यहाँ पे हम टॉप कॉलेजेस की बात करने वाले हैं और इसी सीरीज में एक हमारा कॉलेज है हमारा महायोगी गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इनमें से कुछ कॉलेजेस का अप्रूवल आ चुका है जिनका इस बार की जो परमिशन है NCERT ने दे दी है, तो उनका चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिस ना हो। तो 100 सीट्स का BMS में यहाँ पे इंटेक है, तो सीट इंटेक फीस है 2,65,800, ये आपकी पर ईयर यहाँ पे फीस लगने वाली है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट BMS के लिए प्लान कर रहे हैं यूपी के अंदर, तो यहाँ पे हम टॉप कॉलेजेस की बात करने वाले हैं और इसी सीरीज में एक हमारा कॉलेज है हमारा महायोगी गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि लोकेटेड है गोरखपुर में। इसकी जो मेन यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है और इस यूनिवर्सिटी से महायोगी जो यूनिवर्सिटी है इससे एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि यूपी के अंदर BMS प्रोवाइड कर रहे हैं, BMS कोर्स रन कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जो कि इस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होने वाले हैं या अफिलेटेड हैं जिनका भी अप्रूवल 1x1 आना स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से कुछ कॉलेजेस का अप्रूवल आ चुका है जिनका इस बार की जो परमिशन है NCERT ने दे दी है, तो उनके भी आगे मैं आपको नाम बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनका परमिशन आपको आ चुका है। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिस ना हो। या BMS से किसी भी मेडिकल कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो टीम को आप रीच आउट कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं महायोगी गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू, ठीक है, BMS कोर्स के लिए। इसकी जो चांसलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सबसे बड़ा एक नाम जुड़ जाता है योगी आदित्यनाथ जी का, तो यहाँ पर ये इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और यहाँ पे इस कॉलेज का जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के मेन प्रेसिडेंट भी हैं, तो यहाँ पे इनका एक सबसे बड़ा रोल ये आ जाता है कि आप कुछ चीज़ों से श्योर हो सकते हो कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन अच्छी मिलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बच्चों के लिए नॉट एक्सेप्टेबल हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फीस हो, फीस आपसे कम ज़्यादा वाला सिनेरियो नहीं होगा कि बच्चे कुछ कम में पढ़ रहे हैं कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि टाइम टाइम पे बच्चों के साथ जरूर आती है। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका अप्रूवल नहीं आया होता है लेकिन वो पहले से प्री बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का आपको BMS में एडमिशन लेने से पहले जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस कॉलेज का जो एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, इसका 2021 में एस्टैब्लिश हुआ है। अफिलिएशन की बात करें तो इनका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है मेन यूनिवर्सिटी से इनका अफिलिएशन है इस कॉलेज का, महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। बहुत सारे कॉलेज और भी होंगे जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टोटल कैंपस एरिया, तो चूंकि ये मेन कैंपस में है इसलिए इसका जो इस कॉलेज का कैंपस एरिया थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जबकि बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि चूंकि BMS जो है वो एक सिंगल कोर्स ऐसा होता है कि हर एक कॉलेज के पास MBBS अवेलेबल नहीं है। जो कोर मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके पास MBBS भी है, BDS भी है, BMS भी है, उनका कैंपस, उनकी चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि किसी आउटर पे या आउटर लोकेशन पे हैं, सिंगल कोर्स चला रहे हैं, केवल BMS कोर्स रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कैंपस एरिया भी आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कैंपस एरिया है 52 एकर्स का कैंपस एरिया इस कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगा। सीट इनटेक की बात करें तो 100 सीट्स का BMS में यहाँ पे इनटेक है, तो सीट इनटेक या अप्रूवल को लेकर के कोई सोचने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कम फीस स्ट्रक्चर में अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो आपके लिए भी अलग अलग स्टेट वाइज हम लोग आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉलेजेस के नाम देंगे जहां पे आप लो फीस स्ट्रक्चर में BMS अपना प्लान कर सकते हैं। जो भी बच्चे कम फीस में जाना चाहते हैं, यहाँ की जो फीस है 2,65,800, ये आपकी पर ईयर यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस या कुछ चार्जेस हो सकते हैं जो कि एडिशनल हो सकते हैं, जो सभी बच्चों पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे कुछ इंफ्रा के मामले में इस कॉलेज का थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ बेड्स की बात करें तो 960 बेड्स का हॉस्पिटल है जो कि प्रॉपरली रनिंग है, यहाँ पर प्रॉपरली पेशेंट्स की विजिट्स होती हैं, तो आपको ये जो क्लिनिकल एक्सपोजर है यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलेगा। 976 का आयुर्वेदा के अंदर इतना बड़ा जो हॉस्पिटल मिलना काफी क्रिटिकल है, बहुत कम जगह पे अवेलेबल होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में कम ही होता है। कोर्स में आपका BMS है और इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, बट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर लगभग 14 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस BMS कॉलेज के अंदर रन होते हैं। 14 डिपार्टमेंट्स हैं, 200 to 250 ये आपका डेली बेसिस पे यहाँ पे आपका OPD में विजिट है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। अगर आयुर्वेदा में आपके पास 200 से 250 पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका बहुत अच्छा नंबर है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये आपको फ्लोर नहीं देखने को मिलेगा, इवन बहुत कम पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं। कभी इंस्पेक्शन होता है ना, जब चेकिंग होती है, तो बहुत सारे कॉलेज वाले प्राइवेट में लोगों को ले आके लिटा देते हैं कि आप बेड में लेट जाओ, आपको कुछ मिलेगा, 500 रुपये 1,000 रुपये डेली का मिलेगा, आप 2-3 दिन यहाँ पे बने रहो। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं कॉलेज कर देते हैं, करना पड़ता है। तो ये है, यहाँ पर विजिट जो है आपको 200 to 250 की विजिट आपको डेली मिलने वाली है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, तो BMS की जो कट ऑफ है यहाँ पे होम स्टेट स्टूडेंट के लिए वो आपका रहने वाला है, लास्ट ईयर जो रहा था 2023 में कट ऑफ था 385,
EWS में 365 था, OBC के लिए 320 मार्क्स के अराउंड, SC के लिए 270 और ST कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स पे आपको यहाँ पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट मिल गया था। बट हम बात करें 2024 में, तो 2024 में जो आपका कट ऑफ का कुछ सिनेरियो रहेगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सपोर्ट में, जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं आपके सपोर्ट में डेफिनेटली डालेंगे। मे बी अगर नीट का कुछ रिवाइज होता है, नीट का कोई रिजल्ट रिवाइज किया जाता है, तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। इस पर ऑफिशियली कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो देख रहा है मैटर को, और NTA से इसमें जवाब मांगा गया है, तो डेफिनेटली उस पर भी जो भी अपडेट आएगा। बट स्पेशली वो नीट अगर बाय चांस रीनीट होता है या कुछ भी होता है, वो मेनली उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जो स्टूडेंट 600 प्लस मार्क्स पे के अराउंड थे या 620 के अराउंड थे, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को। अब जो हमारा एवरेज कैंडिडेट है, जिस बच्चे की स्कोरिंग 200 से या क्वालिफाइड है, ठीक है, 150 से लेकर के आपका अगर यहाँ पर 400 के बीच में स्कोरिंग है या 500 तक है, और आप किसी कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, तो आपके ऊपर इस चीज़ का शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो इस हिसाब से आपके लिए कॉलेजेस सीक आउट करना, प्लानिंग करना आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो कट ऑफ है लगभग 400 to 430, ये आपका स्कोर रहने वाला जनरल के लिए, 390 to 415 आपका EWS के लिए, 350 से लेकर के 380 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि OBC कैटेगरी के लिए हो सकता है। और अगर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए, तो SC में 290 से लेकर के 310 तक का कट ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ST ब्रांच ST के लिए 190 to 215 मार्क्स का कट ऑफ महायोगी गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और इसके अलावा स्टेट वाइज पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पे भी काफी सारे कॉलेजेस हैं, यूपी में इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी जगह कॉलेजेस के रिव्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी इंक्वायरी के लिए या डाउट या क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम लोग उसको रीड करेंगे और उस पर आपको वीडियो देंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट।